Good morning everyone, welcome back to our channel and welcome back to another vlog. और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, साड़ी वाड़ी पहन के एकदम. आपको रेड लग रहा होगा लेकिन ये ऑरेंज साड़ी है. मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हूँ, इसलिए रेडी हूँ क्योंकि आज जाना है मंदिर, क्योंकि उत्सव स्टार्ट हो चुका है. कल का ब्लॉग में आप लोग देख ही चुके हो, तो आज सुबह से हम लोग मंदिर में रहेंगे. वहां पे भंडारा होने वाला है और पूजा होने वाली है, गुरु पूजा. तो बस सुबह का अभी 8:30 बजा नहीं है, 8:10 हो रहा है. तो चलिए निकलते हैं मंदिर के लिए. आज मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतना मतलब हम लोग टारगेट लिए थे 7:30 निकलने का, अभी ऑलरेडी 8:00 रहे. तो बस क्योंकि मुझे साड़ी में थोड़ी सी तैयार होने में थोड़ी सी टाइम लगे यार, तो लेट हो गई. तो एनीवेज चलो निकलती हूँ, वहां पे पहुंचती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. और फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, और बहुत ही सुंदर से सजाया गया है फूलों से. सामने तो थोड़ा बहुत लगाया है लेकिन मंदिर बहुत खूबसूरत से सजाया गया है, ऊपर में, नीचे में, जहाँ पे कीर्तन हो रहा है. और यहाँ पे बहुत ज़ोर से कीर्तन का आवाज़ आ रही थी, बोल के मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, ऑफ़ कर चुकी हूँ. और यहाँ पर ना भंडारे की तैयारी चल रही है, जस्ट स्टार्टिंग है, सुबह का 8:30 के करीब ही हो रहा है. और मैं आपको कुछ दिखाऊँगी अभी. Everyone, I am in मंदिर. मैं पहुंच गई, आपको सुनाई पड़ रहा है कीर्तन हो रहा है. मैं आपको कुछ बहुत अच्छा एक्साइटिंग दिखाने वाली हूँ, देख. और वो एक्साइटिंग चीज़ है यहाँ पे, एक्चुअली कीर्तन जस्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब कल रात से कीर्तन चल रहा है, सुबह में भोर में भी स्टार्ट हुआ है. और देखिए जी, आते ही कौन बैठ गया कीर्तन में, मेरी छोटू बेबी मयंक बैठ गया कीर्तन में. ही लव टू डूइंग ऑल दिस थिंग्स कीर्तन, एंड उसको कीर्तन सुनने में भी बहुत मज़ा आता है. बस वहाँ से निकल के मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पे किचन की तरफ में. खाना पीना का क्या हुआ है, कितना दूर तक जा रहा है, वही मैं देख रही हूँ. तो ये जो है, तो ये ना मतलब मेन कुक है, तो ये लोग अभी भंडारे की तैयारी कर रही है, सारी चॉपिंग वगैरह सब यही लोग करेंगे. और यहाँ पे मैं ऊपर में भोग का तैयारी चल रहा था, और मयंक ना उठ गया था कीर्तन से, तो उठ के आगे मुझसे भी बात कर रहा था थोड़ा बहुत, और मैं सबसे बातें भी कर रही हूँ. और बहुत बिजी शेड्यूल था यहाँ पे. मैं ना यहाँ पे काम कर रही थी मिक्सी में, मतलब मसाले को पीस रही थी जो भोग के लिए लगेगा. तो बस ये मतलब सभी कोई है, सभी कोई बात कर रहा है और काम भी चल रहा है. और बीच में देखिए कौन आ गया मुझे खिलाने. मैं बोली मैं अभी यहाँ पे नहीं खाऊंगी, तो देखिए कैसे लिपट गया मुझसे कि मम्मा अब मुझे नीचे छोड़ के क्यों आए हो. तो मैंने बोला कि नहीं बेटा, अभी मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे, आप खाओ बाहर जाके. तो भाई मेरे पीछे लग गया, अब देखिए कितना अच्छा से मुझे प्यार करके जाएगा. सो ही इज सो स्वीट, एक्चुअली मुझे इतना प्यार करता है. और यहाँ पे जोर शोर से कीर्तन स्टार्ट हो गई है और सब कोई आने लगा है, भीड़ बढ़ चुका है. देखिए कितना ज़ोर शोर से कीर्तन हो रही है, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर सक रही हूँ. और यहाँ पे मम्मी भी आई है मेरी, बैठी हुई है पीछे. और ये देखिए फिर से वो तैयार होके, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया था, फिर से तैयार होके, मम्मा तैयार कर दो हमको फिर से कीर्तन में जाना है. जब स्टार्ट हुआ बहुत ज़ोर से, तो वो भी आ गया यहाँ पे कीर्तन में बैठने के लिए. आई एम सो ग्लैड. और मैं बड़ा पसंद करता है यहाँ पे कीर्तन में बैठना, उसको बहुत अच्छा लगता है बेसिकली. गाइस यहाँ सो मच फन एंड आई एम सो मच एक्साइटेड कि जुगू मेरा कीर्तन में बैठा है. मेरा तो सपना पूरा हो गया है जी, कि बच्चा मेरा कीर्तन कर रहा है. सुबह से आया है तो कीर्तन में जाके बैठा है, एक ग्रुप के साथ कीर्तन किया, फिर थोड़ा सा प्रसाद लिया, एंड देन फिर ही गोज ऑन कीर्तन. और अभी थोड़ा सा ब्रेक है, फिर स्टार्ट होगा. वो कीर्तन से उठ नहीं रहा है, तो आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी एक्चुअली. चलिए मैं ऊपर चलती हूँ, मेरा बहुत सारा काम है. मेरा फेस का हालत आप लोग देखो क्या हो चुका है. एक्चुअली मैं हेयर बांध भी चुकी हूँ अभी. तो एनीवेज अभी तक कुछ प्रसाद भी हमने नहीं लिया, तो अभी जाएंगे, देखते क्या काम करते. मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ. यहाँ पे मयंक को मिल गया अपना फ्रेंड, स्टार्ट हो गया है ये यहाँ पे भी.
ये देखिए, ये है मयंक का फ्रेंड। हेलो बेबी, थोड़ा सा इधर देख लो। हेलो 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 हाय। तो ये मयंक का फ्रेंड मिल गया यहाँ पे, ये लोग खेल रहे हैं अभी। एक्चुअली जो गुरु पूजा होती है ना, मेन पूजा, वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो सब कोई बैठ गए ऑलरेडी। मैं आपको दिखाऊंगा पीछे से, ये देखिए ये स्टार्ट हो चुका, मतलब होने वाली है ऑलरेडी। तो नीचे कीर्तन अभी चल रही है, मैं नीचे चलती हूँ क्योंकि अभी कीर्तन चल रहा है और बेहद माहौल इतना अच्छा है। अच्छा भाई, तो मेरा जो फ्रेंड है ना, मेरा सब्सक्राइबर है एक्चुअली, वो आई हुई है, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलिए आप लोगों को मैं नीचे लेके चलती हूँ। भंडारे का भी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुका है, लोग आ चुके हैं, आ रहे हैं ऑलरेडी। ये देखिए कितना उम्रदार सब आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सालों से ये लोग इसके लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी गुरु पूजा स्टार्ट ही होने वाली है और भीड़ देखिए, पीछे में भी सब लाइन लगा के खड़े हैं और लोग आ भी रहे हैं। अभी स्टार्टिंग हुआ नहीं है, जस्ट दादा बैठने वाले हैं पूजा में और यहाँ पे ऑलरेडी सब बैठ गए घेर के पूजा देखने के लिए। और यहाँ पे दादा बैठ गए पूजा करने के लिए और दादा अभी पूजा स्टार्ट करेंगे और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा पूजा। और पूजा कंप्लीट होने के बाद दादा अंदर जा रहे हैं, भगवान जी को अंदर लेके जा रहे हैं। और पूजा होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया है भंडारा, सब आ चुके हैं यहाँ पे, अभी जस्ट स्टार्ट होने ही वाली है। तो बस मैं आ गई थी नीचे, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और सब कोई बहुत प्रेम से श्रद्धा से यहाँ पे मतलब आते हैं और ये सारे मतलब प्रसाद लेते हैं। हम लोग भी यहीं पे बैठ के प्रसाद लेते हैं और ये देखिए कितना मतलब लोगों का भीड़ है यहाँ पे। और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी था कि पनीर सर्व करने का, तो मैं वही कर रही थी, किचन में बैठ गई थी और बैठ के मैं सबके लिए पनीर सर्व कर रही थी। कम से कम 200 से 250 लोगों का पनीर मैं सर्व किया और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये काम मुझे मिला। आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। कल रात को ना बहुत लेट आए थे एक्चुअली हम लोग, मेरा मुंह का हालत देख के आप लोगों को पता चल ही रहा है कि कल कितना लेट आई थी और इतना टायर्ड है, लेकिन फिर भी आज मंदिर में उत्सव का लास्ट डे है, आज भी वहाँ पे भंडारे का प्रिपरेशन चल रहा है, तो हम लोग सब वहीं जा रहे हैं। अभी सुबह का 8:30 बज रहा है, तो चलिए वहां जाती हूँ, क्या होता है मैं पूरा आप लोगों के साथ तो शेयर कर ही रही हूँ। और आज ये मेरा आउटफिट है, ऑरेंज साड़ी मैंने पहना है और मेरा हेयर का हालत भी खराब है, पता नहीं मैंने बांध लिया है आज, क्योंकि आज बेहद टायर्ड लग रहा है जी मुझे, एकदम मतलब तबीयत होता है ना कि खाली रेस्ट करो। एनीवेज चलो मंदिर जाना है, साल में यही एक दो
बार का मौका मिलता है जाने का तो फिर तो पूरा साल घर ही पे रहूं। एनीवेज चलो मंदिर निकलते हैं और वहां देखती हूँ। मैं भी रेडी है गाइस, आई एम इन मंदिर। और मंदिर में आते भर में मेरा सारा जो तकलीफ था, टायर्डनेस था, सारे दूर हो गए। और पंडित जी को देखिए हाल, पंडित जी का बाजार जा रहे, पंडित जी बाजार जा रहे, बताइए। एनीवेज चलिए, यहाँ पे भंडारे का तैयारी हो रहा है, कीर्तन। यहाँ जो लोग आए थे अभी कीर्तन खत्म हो चुका है, वो लोग अभी खाना खा के अभी वो लोग निकलेंगे अपना घर के लिए। और यहाँ पे तैयारी हो रही है भंडारे की, मैं आप लोगों को दिखा रही। तो ये नेक्स्ट डे स्टार्टिंग हो चुका है, ये लोग सारे कीर्तन किए थे तो इन लोग से हम लोग स्टार्ट करते हैं भंडारे की। तो बस ये लोग एक बार प्रसाद ले लेंगे, उसके बाद बैच वाइज सब आते रहेंगे, बैच में बोलिए, उसके बाद सारे लोग आते रहेंगे। और यहाँ पे कंटिन्यूसली तैयारी चल रही है और ये लोग चॉपिंग वगैरह सारे कर रहे हैं। और ऊपर में मैं आ गई हूँ, यहाँ पे भगवान जी का पूजा हो चुका है, उनको भोग लग चुका है, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। भोग कंप्लीट होने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, पूरी तरह से तो नहीं कर पाऊँगी, अंदर जाना मना है, सिर्फ दादा ही जाते हैं। और फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत दिखा दूँ। और बस यहाँ पे नेक्स्ट जो बैच है, नेक्स्ट डे का जो भंडारा है वो स्टार्ट होने ही वाली है। सब कोई बैठ गए अपने हिसाब से, सब बहुत जन इंतज़ार भी कर रहे हैं। बस आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगी, उसके पहले दिखा दूँ आज प्रसाद में ये है। और सब कोई बैठ गए थे और हम लोग भी प्रसाद लेने बैठे, तो बस आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगी। अगर कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग। तो बस इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विजस्ट फॉर न्यू इंडियन मोमेंट पॉर्मा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कल मिलेंगे एक फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।